लेकिन सब लोग एफआईआईज की बात किए, और एक और बात आप लोगों ने कही कि चाइना की बात करी। सही बात है कि भारत के मुकाबले चाइना का मल्टीपल बहुत कम है, करीब 9.5% के आसपास है, भारत में 27% है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मल्टीपल वाला महंगा मार्केट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चाइना वाकई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है क्या? सुनील जी, चाइना की पॉलिसी को अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन चाइना में अभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। उसने तत्कालिक फायदा पहुंचाने के लिए कुछ कदम, कुछ स्टिमुलस देने की बात कर रहे हैं, कहीं रेट कट की बात हो रही है, लेकिन चाइना का जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसके मुकाबले देखें तो भारत के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत मुझे दिखते हैं। भारत के स्ट्रक्चरल इश्यूज उनके मुकाबले काफ़ी मजबूत हैं। तो जो एफआईआई जा रहे हैं वो ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव से जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्स्पेक्टिव से जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं। देखिए, हेज फंड्स का होना है कि शॉर्ट टर्म में कॉल ले और वो लेवरेज करते हैं। तो जैसे हमारे मार्जिन ट्रेडर्स करते हैं स्टॉक में, वो लेवरेज करते हैं, यानी जो पैसा वो इकट्ठा करते हैं एचएनआई से दुनिया भर से, वो उससे कई गुना लेवरेज करके 20 रुपया उठाया, 80 रुपया बोरो किया तो 100 रुपया निवेश करते हैं। तो 1% का गेन भी उनके लिए 4% का गेन हो जाता है, और ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म कॉल लेते हैं। दूसरी बात है कि ये बहुत सी चीज मैन ड्रिवन नहीं होती है, एल्गोरिथमिक होती है, यानी कंप्यूटर में फीड करते हैं कि वैल्यूएशन वगैरह वगैरह। और जब होता है ना, उनके पास एक और बात है कि स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट्स दोनों के फिल्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना में शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया तो प्रॉफिट बुक करके, तब तक अगर इंडियन मार्केट में थोड़ी भी करेक्शन आ गई तो वापस इंडिया आने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये शॉर्ट टर्म पैसा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा आपको कि जो इंटरनेशनल एलोकेशन थे पहले से आज, देखिए मैं कहूंगा 3 साल के पहले की बात करें तो चाइना का 3 गुना या 2 गुना हमसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एलोकेशन था। आज इंडिया का चाइना से इक्वल है। मैंने क्या है कि पैसिव मनी अभी भी इक्वल चाइना और इंडिया में जा रही है, पहले की बात नहीं है। तो बाइंग सपोर्ट इवन एफआईएस के जरिए, लॉन्ग टर्म एफआईएस जो ग्रोथ के ऊपर निवेश करते हैं, और पैसिव फंड्स का इंडिया में जारी रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये हेज फंड जो आज अंदर गए, अब 1 मिनट, आप तो 2-3 क्वार्टर की वॉलिटिल की बात, मेरा उतना नहीं मानना है। मेरा मानना है कि ये क्वार्टर वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी नवंबर एंड तक जब रिजल्ट आ जाएगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कमला हैरिस आए या ट्रंप आए, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई तो वापस इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लो शुरू होगा, नंबर 1। नंबर 2, दिसंबर में वापस आरबीआई की रेट कट की बात शुरू होगी, और रेट कट से मार्केट ऑलवेज पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल में ये अनसर्टेनिटी इस महीने का अनसर्टेनिटी होगी। इवन एज अर्ली एज December 1st week में मार्केट में एक वापस रुझान पॉजिटिव आने की क्षमता है। तो मैं 3-4 क्वार्टर की बात आपकी बात को नहीं मानता हूँ, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगा। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मानते हैं कि ये फेस्टिवल सीजन के नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और उम्मीद भी जैसे उन्होंने कहा रिटेल से, मगर सोच फंड मैनेजर्स की होती है इस क्वार्टर, क्योंकि ये सीजनल क्वार्टर है। वो देखेंगे गाइडेंस जो कंपनियां बेच रहे अपने इन्वेस्टर के कॉन कॉल में बता रही है अगले साल के बारे में, वो इस क्वार्टर को छोड़िए अगले साल का आउटलुक कैसे बता रहे, उसके ऊपर FY26 का वैल्यूएशन जो आज 26 पे चल रहा है वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो शायद मेरे ख्याल में अगर गाइडेंस कुछ सेक्टर से अच्छे आ गए तो इवन एज अर्ली एज दिसंबर मार्केट में आप अच्छी बाउंस बैक देख सकते हैं। बिल्कुल, तो दिसंबर तक बाउंस बैक आने की संभावना सुनील जी बता रहे हैं। सुदीप जी, ये जो एफआईज वाली बात निकल कर आ रही है कि शॉर्ट टर्म के लिए एफआईज जा रहे हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े मुझे लगता है कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़े देखें तो इस साल जो एफआईज के बिक्री हैं वो अक्टूबर में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, करीब 75,000 करोड़ रुपये के बिक्री किया है इन लोगों ने। इससे कम थोड़ी सी बिक्री, यानी कि इससे पहला जो रिकॉर्ड था वो तब का था जब कोविड का स्तर हुआ करता था, जब मार्च 2020 में मैं देख रहा हूँ 65,000 करोड़ का, जून 2022 में 60,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इतना ज़्यादा रिकॉर्ड सेलिंग करना, कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं स्मेल कर पा रहे हैं, एफआईज ने स्मेल कर लिया है? ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि जैसे आपने भी जिक्र किया, इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केट दुनिया में बन गया है, और इतना जबरदस्त रैली होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना एब्सोल्युटली पार फॉर द कोर्स है। और एफआईआईज की अगर बात करें, वो फंड मैनेज करते हैं, सुनील साहब तो एक्सपर्ट थे उसमें, तो फंड वालों को बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए, दिसंबर आ रहा है
और जैसे हम जानते हैं कि फंड जो ग्लोबल फंड्स है उनका दिसंबर ईयर एंड होता है, तो इस सीजन में उनके लिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है बहुत सारी चीजों के लिए, इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स के जो जो रेमुनरेशन होता है, बोनस होता है, वो सब चीज के लिए। तो थोड़ा बहुत बिकवाली इंडियन मार्केट जहां पे कि बहुत सारे प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं वो आना ही था। इसके साथ चाइना का जो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जुड़ गया है, यूएस मार्केट की भी अगर बात करें, यूएस मार्केट भी देखिए 6-7 स्टॉक आप ऊपर वाले छोड़ दीजिए, बाकी जो मार्केट है यूएस के वो भी एक अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो जो 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 एफआईआई जो निवेश कर रहा है दुनिया भर में, उसके लिए निवेश करने की अपॉर्चुनिटी है, वो इतना हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स बेच के कम वैल्यूएशन के ग्लोबल कंपनीज में खरीदारी कर रहे हैं, मे बी यूएस में जो कंपनीज है वहां पे खरीदारी कर रहे हैं। इसके कारण यूएस के इंडेक्स में एक अच्छा खासा बैलेंस्ड रैली अब देखने को मिल रहा है, जो कि पहले देखा जाता था सब ऊपर वाले 7 स्टॉक रैली होता था और बाकी स्टॉक्स लैंग्विश करते थे, अब वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा। चाइना तो है ही, तो ये मुझे लगता है कि ये सारा चीज, एक तो एफआईआईज के लिए प्रॉफिट बुक करने की जो जो एक 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 आवश्यकता रहता है ईयर एंड में, वो चाइना का जो स्टिमुलस और चाइना मार्केट बहुत सस्ता होना, तीसरा यूएस मार्केट में अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी उभर के सामने आना, ये सारा फैक्टर है जो कि एफआईआईज को बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। पर ये मैं जरूर कहूंगा ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, निवेश कर रहे। और इसमें देखिए वाली देख के हमको निराश या हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो निवेशक निवेश कर रहा है वो कभी ना कभी तो बेचेगा ही, क्योंकि उसका काम ही है प्रॉफिट बनाना अपने अपने जो यूनिट होल्डर्स है उनके लिए। तो ये तो नेचुरल मार्केट का प्रोग्रेशन है, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल, ये आपने बड़ा सही कहा, जिन्होंने पैसा लगाया वो तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आम निवेशक की हालत तो ये है कि अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और लालम लाल दिखते हैं, फिर तुरंत बंद कर देते हैं कि रहने दो जी अभी नहीं देखना, जब थोड़ा सा ग्रीन होगा तो दिखेंगे, उस ग्रीन के इंतजार में अभी बैठे हुए हैं। अभय अग्रवाल साहब, ऐसे रिटेल निवेशक या आम निवेशक जो हों क्या करें, वो भी कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँ या फिर रुके रहें, या फिर जैसे सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है कई जगह हम देख रहे हैं, उस तरह से सेक्टोरल रोटेशन भी करें अपने पोर्टफोलियो में, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए लक्ष्मण जी, एक जो जानी मानी बात है और प्रूवन बात है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पैनल पे सारे ही हैं, वो ये है कि अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं रोज देखूं हरा है कि लाल है, तो इंडिया जैसे मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज में बना के रखें, आपको डेफिनेटली जो भी दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं जैसे रियल एस्टेट है या बुलियन है, उन सबसे बेटर रिटर्न मिलेगा। ये इस बात की मेरे ख्याल से मेरे सारे जो पैनल पे मेंबर्स हैं वो भी सहमत रहेंगे, और ये देखा है हमने, आप 10 साल का ट्रेंड देख लीजिए, 20 साल का देख लीजिए, 30 साल का देख लीजिए। पर शॉर्ट टर्म में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर एक महीने के लिए मार्केट करेक्ट हो गया 5-5.5% या 10% भी, जैसे अभिषेक ने कहा 15% भी करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो करेक्शन होता है, एक बेस बनता है, वापस एक प्लेटफॉर्म बनके वापस फिर एक ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। तो मेरी एडवाइस उन रिटेल इन्वेस्टर्स को जो मार्केट और कंपनीज को रेगुलरली स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने काम में बिजी हैं, मेरा उनसे यही कहना होगा कि देखिए अगर पोर्टफोलियो में स्पेकुलेटिव स्टॉक्स नहीं है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंपनीज की अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है और आप उनके बिजनेस के बारे में समझते हैं, या आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको ज्यादा ट्वीक मत करिए, क्योंकि क्या है फिर आप एक गोल दायरे में भागते रहेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बढ़ाएंगे, नीचे आएगा तो आप कम करेंगे। उससे अच्छा है कि जो अपना एलोकेशन है उसको बना के रखें, ये एक वेल्थ मैनेजमेंट, एक सेविंग मैनेजमेंट की तरह है इक्विटी मार्केट, इसको रोज रोज देख के या हर हफ्ते देख के हर महीने देख के परेशान होने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। आप अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम भी 3-5 साल का व्यू लेके करें। जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए तो मेरे पास कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो क्यों कुछ खरीदते हैं और क्यों क्यों बेचते हैं, उसको तो वो सेंटिमेंट से ज्यादा ड्राइव होता है राधर देन किसी रैशनल बिहेवियर से। तो लक्ष्मण जी, जो रियल, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा आपका सवाल का जवाब, एक जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को बना के रखें। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो जाके देखें कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आए,
तो उनकी क्या अबिलिटी है एक पेपर लॉस ले सकने की, और उसी के बेसिस पे अपना एलोकेशन डिसाइड करें। बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास चल के। अभिषेक जी, हम लोगों ने देखा कि ठीक है, मार्केट अपने रास्ते से गिरता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, लेकिन बाज़ार में नए निवेशकों के आने का सिलसिला जारी है। SIP के जरिए निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड वालों का डेटा मैं देख रहा था, तो वहाँ पर देखा कि SIP के रिकॉर्ड अकाउंट खुल रहे हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, उसमें एक डेटा और भी निकल कर सामने आ रहा है कि लोग इक्विटी स्कीम में पैसा निकाल रहे हैं, गिरावट आ रही है, मल्टी कैप फंड में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग पैसा लगा रखे हैं अपने SIP में, क्या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिजिक करें उस हिसाब से कि अब तो हो गया, जिसको जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब थोड़ा सा महेज करके चलना है? उसके दो पार्ट कर लेते हैं लक्ष्मण जी इस क्वेश्चन को, कि पहली बात हम कर रहे हैं नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट से जुड़ रहे हैं। टिपिकली जब इकोनॉमी बढ़ती है एंड लोगों के पास जब वेल्थ बनने लग जाती है, स्पेशली वो वेल्थ जब वो मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वहीं से चलती है किसी भी देश की, हमारी भी वहीं पर है, तो फिर वो एवेन्यूज ढूंढते हैं कि हम हमारी वेल्थ को ग्रो कैसे करें। आज के समय में लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आवर मार्केट्स, बड़े क्लियर दिख रहा था कि भाई यहाँ पे पैसे लगाने से पैसे बन रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और काफी लोगों ने बनाए भी हैं। तो जब एक दूसरे को लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो लोग नेचुरली स्टॉक मार्केट को डायरेक्शनली देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लगा लेना चाहिए। तो इसलिए पैसे एक तो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि पैसे बन रहे थे। दूसरा है कि ये जो इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, ये सीजनड इन्वेस्टर्स नहीं है, ये नए इन्वेस्टर्स हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ देम, इन्होंने शायद मार्केट में पहले कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं देखी है, या इन्हें पता नहीं कि कंसोलिडेशन जब मार्केट में आता है तो उस समय ये कितना पेनफुल हो जाता है वही होल्डिंग को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए। तो ये एक तो हो गए नए इन्वेस्टर जिनके पास शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बट दे आर ट्रस्टिंग द मार्केट ही यहाँ पे पैसे बनेंगे। दूसरे वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पास्ट में SIP कर करके अपनी एक बुक बना ली है, एंड हो सकता है कि इसमें से कई सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म हैं जिनकी शायद SIP करने की इच्छा 5 साल 10 साल के करीबन है। तो जब आपके पास ऐसा कोई लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहां पे कोई बहुत जल्दी से आपको कोई रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप टिपिकली मार्केट के इसी तरह के हाईज और लोज को बैलेंस करने के लिए इस तरह के पैसे लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को पैसे दे रहे हैं, एंड लार्जली एक एवरेज फंक्शन यूज हो गया SIP के थ्रू। जहां बात डायरेक्ट एक्सपोजर की आती है, जहां पे कोई इन्वेस्टर अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो वहां पे डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि वहां पे उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, एंड वहां पे ऐसे कोर्स करेक्शन हमें करते रहने होंगे, क्योंकि वहां पे फॉरएवर आप अपने आप को वॉरेन बुफे समझ के, फॉरएवर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके फॉरएवर होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट की डायनामिक नेचर है और सबकी अपनी अपनी खुद की नीड है। सो उस तरह से आज के सिनेरियो में कोई प्रॉफिट बुक करना कोई खराबी की बात नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मजाक तो ये है कि अगर इस करेक्शन से पहले किसी ने भी कभी प्रॉफिट बुक किया होगा तो लोग उसे नेगेटिवली देखते थे, क्योंकि पास्ट में लास्ट एक साल में ऐसे कई इंसिडेंसेस हो गए जहां मार्केट ने करेक्शन दिए और फिर वो वापस बाउंस कर गए, एंड देयर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव फीलिंग फोमो कि भाई हम तो और पैसे बना सकते थे बट हम पहले एग्जिट कर गए, तो दूसरा इन्वेस्टर बोलेगा देखो लॉन्ग टर्म होल्ड करना बेटर है। बट जब मार्केट ऐसे ही सिनेरियो में जब करेक्शन के स्टेज पे जाता है, तब आपको याद आता है कि कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जब FII ये स्मार्ट मूव कर रहा है, एंड जैसे कि अभी सुधीर जी ने खुद ही कहा है कि भाई टिपिकली साल का एंड उनका दिसंबर में होता है, एंड सीजन फंड मैनेजर्स के अपने खुद के मैंडेट्स होते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो अगेन वो कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में प्रॉफिट बुकिंग करना खराबी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। अभी के मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, थोड़े कैश में रहना कोई खराबी की बात नहीं है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे तो दोनों तरफ रिवॉर्ड करता है।